बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। इसमें आपको बता रहा हूं क्लास 12th मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अभी तक मैंने आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन तक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एक तरफ आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला और दूसरा तरफ आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो जो लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिए हैं, उनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आसानी से आप जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाने में भी दिक्कत ना हो और याद तो आपको आसानी से खुद हो ही जाएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें लेफ्ट साइड आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिलेगा और बस आपको याद करना है अब राइट साइड। और ये पूरा डिटेल्स में एक वीडियो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें कि आपको पूरा डिटेल्स में बताया था कि कैसे इससे राइट साइड आता है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का फॉर्मूला है x के पावर n का इंटीग्रेशन। जैसे x के पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में आप क्या कीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा और उतना ही से भाग दे दीजिएगा। जैसे अगर n है तो लिखेंगे n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो सब में c जोड़ना है, और c क्या है भाई, तो कांस्टेंट है, यानी जिसको आप अचर बोलते हैं। तो देखिए, अभी तक जो भी आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये अनिश्चित समाकलन होगा, यानी इनडिफिनिट, और इनडिफिनिट में लास्ट में c जोड़ा जाता है। और क्यों और कैसे जोड़ा जाता है यह जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें आप बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर c क्यों जोड़ा जाता है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, x टू द पावर n का पहला फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस में c होता है। उसके बाद दूसरा 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x और प्लस में लास्ट में आप c जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर x ही होता है और प्लस में कांस्टेंट जोड़ना है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a टू द पावर x और बटा में log a होगा। देखिए, डिफरेंशिएशन में गुना में होता है ना, ये वाला इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि बटा में होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 1 by x square, तो 1 by x square का अगर इंटीग्रेशन करने की बात आए तो इसका लिखिएगा माइनस 1 by x और प्लस में कांस्टेंट। 1 by root x, 1 by root x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 root x plus c। देखिए, ये बनाने का तरीका लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड निकाला जाता है, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ राइट साइड वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक बार पहले भी इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देख चुके हैं। ये शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आगे देखिएगा cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x plus c होता है। याद रखिए, cos का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस में होता था, बट यहाँ cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन sin का ही इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस में आएगा। उसमें उल्टा होता था, डिफरेंशिएशन में cos वाला माइनस आता था, बट यहाँ पर क्या होगा, sin का ही किसी में आएगा तो माइनस में आएगा। सब में c तो आप जोड़ते हैं, ये तो समझ गए होंगे। sec square x का इंटीग्रेशन, तो sec square x का बहुआ tan x होता है और प्लस में कांस्टेंट जोड़ते हैं। cosec square x, तो cosec square x का माइनस cot x प्लस c। अगर आप इस सब को याद करना चाहते हैं तो कैसे, तो याद कीजिए sin के का डिफरेंशिएशन होगा भाई, तो माइनस cos का। sec square का डिफरेंशिएशन होता था, तो tan का, तो इस तरह से आप tan आंसर बोल सकते हैं। cosec square किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस cot x, क्योंकि माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसी तरह से sec, आप देखिए sec x * tan x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखेंगे, sec x और प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्योंकि sec का ही ना डिफरेंशिएशन sec * tan होता है। उसके बाद देखिए cosec x * cot x, तो cosec x * cot x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो माइनस cosec x का। इसका मतलब cosec x * cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x + c हुआ। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इनवर्स वाला में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, इनवर्स वाला में याद कीजिए 1 by root under 1 minus x square, तो 1 by root under 1 minus x square का इंटीग्रेशन करना हो तो लिखेंगे sin इनवर्स x + c। लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इधर। इस जो आंसर है ना, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये रिजल्ट क्वेश्चन वाला मिलेगा। तो 1 by 1 + x square का इंटीग्रेशन करना हो तो tan इनवर्स x प्लस सी। 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो सेक इनवर्स x प्लस सी। और याद रखिए, तीन को और बनता है, जैसे माइनस वाला, माइनस वाला, माइनस वाला, तीन को और जो बनेगा, तो इसमें माइनस लगाएंगे तो कॉस इनवर्स x, इसमें माइनस लगाएंगे तो tan cot इनवर्स x, इसमें माइनस लगाएंगे तो cosec इनवर्स x। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन को आप जरूर याद रखेंगे। अब रही बात कि यहां पर आप गौर से देखेंगे
16 नंबर फॉर्मूला टैन एक्स है, उसके बाद कॉट एक्स है, उसके बाद सेक एक्स है और उसके बाद कॉसेक एक्स है। क्योंकि यहां पर हमने आपको देखिए क्या बताया था, साइन कॉस साइन बताया, टैन कॉट सेक और कॉसेक तो नहीं बताया। तो यहां पर आप ये चारों फॉर्मूला को याद रखेंगे कि टैन एक्स का भाई इंटीग्रेशन क्या होता है। तो टैन एक्स का दूगो होता है, पहला होता है माइनस लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी और एक और होता है सेक में तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। तो याद रखिएगा टैन एक्स का दूगो फॉर्मूला, माइनस लॉग मोड कॉसेक्स प्लस सी, दूसरा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। कॉटेक्स का एक ही को होता है, कॉटेक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का बहुआ लॉग मोड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। और याद रखिए ये सब फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, इसलिए इसको दो तीन बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला याद भी रहे। 19 नंबर देखिएगा कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस में सी। तो ये 19 को फॉर्मूला आपको सिंपल सा बस ये तरीका से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है वही आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे नेक्स्ट यहाँ सबसे स्पेशल फार्मूला यानी कि आपको 76 के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल्स में बताया था। और ये सब अगर आप फार्मूला का प्रूफ देखना चाहते हैं कि कैसे आता है तो उसके लिए भी पहले हमने आपको पहले ही वीडियो बना दिया है। तो देखिए ये 76 में आप 6 को फार्मूला याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 76 से एक फार्मूला डायरेक्ट पूछा ही जाता है हर साल, तो इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो देखिए 1/x² - a² है, इसी को बहुआ याद रखिए, इसको उलट देते हैं ना तो a² - x² बनता है। जैसे यहाँ x² - a² है, इधर क्या हो जाएगा a² - x², अगर उलट जाए तो फॉर्मूला दोनों में थोड़ा सा के चेंज हो जाता है। x² - a² है तो 1/2a log mod x - a / x + a, देखिए x - a है तो x - a बटा में प्लस होगा, लेकिन इसमें अगर a² - x² आ जाए तो ऊपर में लिखिएगा प्लस a + x और बटा में a - x, जैसे यहां पर a² - x² तो a - x और 1/2a तो दोनों में रहेगा। लेकिन अगर यही प्लस में आ जाए, माइनस में ना रह के प्लस में आ जाए, तो इसका याद रखिएगा 1/a tan इनवर्स x / a + c। और खास करके ये सवाल आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है, 1/x² + a² dx क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x / a + c। और अब आपको बताते हैं इसमें अगर रूट पहनाएंगे तो ये बनेगा, इसमें रूट पहनाएंगे तो ये बनेगा और इसमें रूट लगाएंगे तो ये बनेगा। तो देखिए इसमें रूट लगाते हैं तो देखिए तो x² - a² हुआ है, बस इसमें रूट लगा दिए, तो इसका फॉर्मूला होगा log mod x + √x² - a² + c। c तो आपको सब में जोड़ना ही जोड़ना, इसमें रूट लगाएंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन 1/√a² - x² ये वाला, तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा और ये तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे साइन इनवर्स x / a + c। a² - x² हो तो साइन इनवर्स x / a और प्लस में c। और यही अगर मान लीजिए माइनस ना रखे इस प्लस वाला, इसमें रूट लगाएंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन 1/√x² + a² बराबर लॉग मोड x + √x² + a² + c। और याद रखेंगे कौन किसके बराबर होता है, तो एक और दो का सेम होता है फॉर्मूला एकदम, और तीसरा और पांचवा का जो है ना एक टाइप का है, और ये 4 और 6 याद रखिएगा दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। बस याद रखिए यहां पर माइनस है तो माइनस और ये प्लस है तो प्लस, 4 और 6 सेम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, इसको हम तीन रत्न बोलते हैं क्योंकि ये तीन गो फॉर्मूला है इसीलिए इसको तीन रत्न बोलते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन अगर √x² - a² हो, मतलब देखिए ये वाला बात समझिएगा ध्यान से, ये यहां जो आपको दिखाई दे रहा था √x² - a², इसी को अगर ऊपर कर दे तो ये बनेगा, इसको अगर ऊपर कर दे तो ये बनेगा और इसको ऊपर कर दे तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसी ये तीन रत्न बनेगा। तो √x² - a² हो तो लिखते हैं x/2 √ ए वाला बेचारा लिख दीजिएगा x² - a² और माइनस में लिखेगा a² / 2 a² / 2 a² / 2, सब में लिखा है, इसमें पहला है माइनस x² - a² है तो याद ऐसे रख सकते हैं कि इसमें माइनस होगा a² / 2 log mod, और याद रखिए √x² - a² है ही ना, ई वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, तो वही लगा दीजिएगा log mod x + √x² - a² + c ये वाला। ठीक है, अब उसी तरह से अगर a² - x² हो तो पहले आप x/2 लिख दीजिए और यही हूबहू लिख दीजिए, तो पहला पार्ट तो आप यही लिख सकते हैं और दूसरा पार्ट में क्या कीजिएगा प्लस a² / 2। और ये जो जिसका फॉर्मूला होता है ना, यहां देखिए a² - x² का क्या होता है साइन इनवर्स x/a, तो प्लस लिख दीजिए साइन इनवर्स x / a + c, इस तरह से याद रख सकते हैं। √ अगर x² + a² हो तो बउआ पहले तो यही लिखेगा x/2 √ सेम ये वाला, और उसके बाद a² / 2 के बाद ये जिसका फॉर्मूला होता है ना 76 में वो लिख दीजिए, तो 1/√x² + a² क्या होता है ये वाला होता है, तो बस वही चीज लिख दिया log mod x + √x² + a² + c। अगर आप 76 याद रख लेंगे ना तो आपको ये तीन रत्न तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल फॉर्मूला नंबर 10 के बारे में। तो 10 में दो टाइप
का होता है गौर से देखिए। अगर इंटीग्रेशन आपको इस तरह से मिले पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी में नीचा में रूट लगा देंगे, तो ये आपका एक्सरसाइज मिलेगा 7.4 और 7.4 में ये वाला। तो 7.4 में अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ऊपर वाला को दो पार्ट में बांटने के लिए ऐसा करते हैं पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचा वाला, नीचा में रूट रहे चाहे न रहे आप बिना रूट का लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में बी जोड़िएगा, ठीक है। और आपको ए और बी का मान निकालना होता है ताकि आप आसानी से इस दो भाग में इसको बांट सकते हैं, ठीक। अब रही बात कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन पर आते हैं बुआ, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पांच को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर। तो देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे याद रखेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप ऐसे याद रखिएगा कि दो को अगर नीचा में ब्रैकेट हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको आप मान लीजिएगा ऐसे a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा, बस इस तरह से याद रखिएगा। दो को अगर ब्रैकेट हो और दोनों डिफरेंट हो तो a बटा सिंगल प्लस b बटा ये इस तरह से दूसरा ब्रैकेट, a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सेम आ जाए जैसे एक्स माइनस ए रह जाए तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इस तरह से इसी से दूसरा आएगा, तो आप लिखिएगा अगर सेम का स्क्वायर हो तो ए बटा सिंगल और प्लस बी बटा डबल, डबल कहने का मतलब स्क्वायर। ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट है और यहां सेम है तो इसलिए x बटा सिंगल और प्लस b बटा डबल। लेकिन यही तीन को डिफरेंट ब्रैकेट है मतलब अलग अलग रहे तो a बटा पहला प्लस b बटा दूसरा प्लस c बटा तीसरा, इस तरह से मानेंगे और उसके बाद a b c का मान आपको निकालना पड़ता है अगर पूरा पढ़े होंगे तो। चार नंबर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए तीन को ब्रैकेट ना रह के दो को सेम रहे, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ तीनों डिफरेंट था लेकिन दो को अगर सेम आ जाए तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं और एगो डिफरेंट रहेगा, तब इस टाइप का अगर मान लीजिए आ जाए आपको दो को सेम रहेगा एगो डिफरेंट, तो ए बटा सिंगल प्लस बी बटा ये वाला डबल कर दीजिएगा और प्लस सी बटा तीसरा ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। कब? जब दो को सेम रहे एगो डिफरेंट रहे तो ए बटा सिंगल प्लस बी बटा डबल और प्लस सी बटा तीसरा। लेकिन अब हम आपको ये पाँच नंबर बताते हैं, पाँच नंबर आपको पच नंबरिया सवाल में आता है कि एगो सिंगल ब्रैकेट रहेगा और एगो द्विघात रहेगा, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होता है अगर एक एगो सिंगल और एगो द्विघात ऐसा जिसका फैक्टर पॉसिबल ना, तब आप मानिएगा a बटा सिंगल प्लस bx प्लस c और बटा में ये वाला द्विघात, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तब आपको a b और c का मान निकालना होगा, उसके बाद आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में याद रखिएगा और ये जो फार्मूला लगेगा वो 7.5 में आप लोगों को लगेगा। अब हम आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा अब आपको थोड़ा सा बता दें 7.6 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बुआ, तो 7.6 में आपको u इंटू भी का इंटीग्रेशन लगेगा। तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को बाहर करते हैं भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और बक्सा में दो को चीज़ लिखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन और होल डी एक्स, ये ई वाला u इंटू भी आप याद रखेंगे 7.6 के लिए। और इसमें आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है जो हम आपको इधर बता दें, देखिएगा कि e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश है, दिख रहा है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहे और 7.6 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इस फॉर्म में मिला ही मिला होगा कि e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या लिखते हैं, तो e के पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस में c जोड़ते हैं, और c तो सब में जोड़ते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ याद रखिए e के पावर x रहे एगो फंक्शन रहे और इसी फंक्शन का अगर डैश रहे मतलब डिफ्रेंशिएशन रहे तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, e के पावर x और e वाला एफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अभी तक हमने आपको 7.6 का बता दिया, अब हम आपको बताते हैं 7.7 का फॉर्मूला। तो 7.7 में आप क्या करते हैं, देखिए 7.7 में तो आपको तीन रत्न लगेगा जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, 7.8 में आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन में आप दो तरह से फॉर्मूला लगता है, एक तो आप सिंपल सा इंटीग्रेशन करके आप लिमिट रख सकते हैं, जैसे यहां देखिए कि a से b अगर एफ एक्स डी एक्स आपका इंटीग्रेशन कोई है तो पहले आप क्या करते हैं, ई एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और प्लस में c जोड़ते हैं, ठीक है। अगर c जोड़ते हैं मन है तो c जोड़िए, मन है तो न जोड़िए। अब क्यों ऐसा करते हैं इससे ध्यान दीजिएगा, अगर c जोड़ भी दिए ना तो आपको करना क्या होता है, पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ x के जगह b रखेंगे और फिर माइनस के बाद क्या रखते हैं नीचा वाला, तो सोचिए यहाँ पर b रखेंगे तो एफ बी प्लस सी, माइनस के बाद क्या आएगा एफ ए प्लस सी, तो सी से सी तक कट ही जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए। बस याद रखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में मतलब निश्चित समाकलन में सी जोड़ने की जरूरत नहीं होता है, बस इंटीग्रेशन कीजिए और ऊपर वाला लिमिट एक बार रख दीजिए, बीच में माइनस का साइन दीजिए और नीचे वाला लिमिट रख दीजिए। ए को बुआ लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा बोलते हैं, बी को अपर लिमिट यानी उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा ये 7.8 की बात करते हैं, तो 7.8 में एज द लिमिट ऑफ सम से हिसाब से पूछा जाता है, यानी योगफल के सीमा के रूप में। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx रहा है तो इसमें लिमिट लगाकर बनाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक f a प्लस rh, जहां पर आपको याद रखना है nh का मान क्या होता है भाई, तो b माइनस a के बराबर होता है। यानी nh का मान अगर आपको निकालना हो तो b में से a घटा लीजिए, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा लीजिए तो उसे nh का मान आता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग 7.8 बनाते हैं, और इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम आपको लास्टली फॉर्मूला बताते हैं 7.10 और 11 के बारे में। तो इसमें आपको ना प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ता है, जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, देखिएगा थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको बताते हैं, देख लीजिए ये प्रॉपर्टीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटेग्रल्स, यानी कि निश्चित समाकलन का गुणधर्म होता है। तो गुणधर्म आपको 7 को होता है पूरा, हम आपको एक बार दिखा दें, ये 7 को प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज को आपको अच्छा से याद रखना होगा। तो देखिए पहला नंबर बात करते हैं, पहला नंबर प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे पी जीरो, तो जीरो वाला में बड़ा आसान है, याद रखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहे तो इसको ए से बी एफ एफ टी डी टी में लिख सकते हैं। मतलब यह कि एक्स में अगर कोई क्वेश्चन है उसको अगर आप टी में बदल देते हैं या जेड में बदल देते हैं, लेकिन हाँ लिमिट सेम रखते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता। ये पहला नंबर प्रॉपर्टीज कहता है, यानी पी जीरो। उसके बाद फिर कहता है दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज, यानी पी वन है, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स कोई क्वेश्चन है, अगर इसका लिमिट को चेंज कर दिया जाए बउआ, ए से बी है और बी से अगर ए कर दिया जाए तो इसका साइन जो है वह बदल जाता है, मतलब अगर प्लस में क्वेश्चन है तो उसका आंसर माइनस में हो जाएगा अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं तो। ये पी वन है। और पी टू का क्या रहा है, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला देखिए ए से बी था ना, तो ए को नया लाएंगे ए से सी और फिर दूसरा लाएंगे सी से लेके बी तक। जैसे यहां पर आप देखिए यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है, तो ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करते हैं, मॉडुलस फंक्शन के लिए। जैसे आप 7.11 में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। उसके बाद पी थ्री की बात करते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर क्वेश्चन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी दोनों लिमिट को फंक्शन में जोड़ देंगे और उसमें से एक्स घटा लेंगे तो भी इसका आंसर और इसका आंसर बराबर ही आता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रॉपर्टीज है वह है पी चार, और पी चार हर हाल में आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स अगर कोई क्वेश्चन रहे जीरो से, और खास करके आपको 7.11 में आपको ज्यादा यह वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो जीरो से ए को क्या लिखते हैं, एफ ए माइनस एक्स, जहां ए है वहां पर एक्स के जगह ए माइनस एक्स रखते हैं पी चार से, तो दोनों का वैल्यू सेम है, यही वाला प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा यूज करना है। पी पांच ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो से टू ए कोई क्वेश्चन मिल जाए, जीरो से कहे टू ए, तो इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहला जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, दूसरा भी जीरो से ए, लेकिन दूसरा फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, यहां पर जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, जीरो से ए टू ए माइनस एक्स, ये वाला। फिर से समझिएगा पांच नंबर, जीरो से अगर टू ए फंक्शन है तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहला जीरो से ए, दूसरा भी जीरो से ए, बट पहला में एफ एक्स है, दूसरा में एफ टू ए माइनस एक्स लिखेंगे, ये दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है। और याद रखिए पांच से ही छः बनता है, सोचिए इसका मान अगर प्लस में आया था ऐसा ऐसा जुड़ जाएगा, जैसे टू ए माइनस एक्स का मान, मान लीजिए इसका मान एफ एक्स आ गया, तो यहां भी एफ एक्स, तो कई गो एफ एक्स हो जाएगा, दो गो, तो दो जीरो से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर ये एफ एक्स आया। इसका मान अगर हो सकता है माइनस में आ जाए बउआ, तो सोचिए इसका मान माइनस में ही प्लस में तो कट ही जाएगा ना, तो इसका आंसर जीरो भी आ सकता है। तो पी छः में याद रखिएगा अगर टू ए माइनस एक्स प्लस में आता है तो दो गो हो जाएगा, या सीधा ऐसे समझ सकते हैं वाला टू बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स का मान जीरो कब होगा, जब टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। और सबसे लास्ट जो फॉर्मूला है पी सात, और इससे बुआ एक नंबरिया सवाल तो आपसे पूछा ही जाता है, जिसको आप इवन और ऑड फंक्शन के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट हर साल एगो ऑड फंक्शन से सवाल आता ही आता है। तो ऑड फंक्शन कैसे होता है बुआ, तो पहले तो आपका प्रश्न इस तरह से रहना चाहिए, माइनस ए से प्लस ए, लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, एगो माइनस में और एगो प्लस में होना चाहिए, तो इसी का वैल्यू दो गो हो जाता है। जीरो से एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब वह इवन फंक्शन होता है, और इसी का वैल्यू जीरो कब होता है, जब वह ऑड फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि इवन फंक्शन कब होगा, तो इवन फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, जहां एक्स है वहां पर माइनस एक्स रखिए, और अगर वो प्लस में आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन माइनस रखे और अगर कहीं माइनस में ही निकल जाए तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो बस आपको चेक करना होता है कि ऑड है तो उसका आंसर जीरो, अगर वह फंक्शन इवन है तो उसको दो इंटू जीरो से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर इवन वाला प्रश्न है तो दो नंबर का प्रश्न
प्रश्न है, और अगर ऑड वाला है तो समझिए एक नंबर वाला आपका प्रश्न है। ठीक है, बस आपको चेक करना होगा कि ऑड है कि इवन है। तो इस तरह से हमने आपको इंटीग्रेशन का बस क्या किया है, फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करवा दिया है, बस आपको पढ़कर बताए हैं। और थोड़ा सा अगर आप इसको दो तीन बार देख लीजिएगा अगर आप लोग, तो हमें लगता है कि आप लोग को आसानी से याद हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।